नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल न्यूज पर। नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और साथ ही में बिहार में नगर निकाय चुनाव भी हैं। इस मौके का फायदा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी उठाएंगे, प्रचार के लिए वो पूजा पंडालों में भी जाएंगे। 2 साल के कोरोना काल के बाद इस बार धूमधाम के साथ लोग दशहरा मनाएंगे। ऐसे में राजधानी समेत पूरे जिले में सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इस बात को पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो ने भी माना है, इसलिए उन्होंने नवरात्रि और नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने का दावा किया है। SSP के मुताबिक नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब तक 5,500 लोगों के खिलाफ धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 113 लोगों के खिलाफ CCA 3 के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव DM के पास भेज दिया गया है। SSP ने स्पष्ट किया कि पूजा और चुनाव की वजह से जिला पुलिस के साथ ही बिहार स्पेशल आर्म पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। इस बार पूरे पटना जिले में 1387 पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पूजा पंडालों को लाइसेंस दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यह तय किया गया है कि हर पंडाल में आयोजकों के द्वारा ही CCTV कैमरा लगाया जाएगा। जिन जगहों पर बड़े पंडाल बनेंगे वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से भी CCTV कैमरा लगाया जाएगा। सप्तमी से लोग अपने घरों से घूमने के लिए निकलते हैं, पूजा पंडालों में जाते हैं, इस कारण पुलिस की स्टैटिक टीम भी पूजा पंडालों में मुस्तैद रहेगी। इसके अलावा थानों की टीम अपने इलाकों में लगातार एक्टिव रहेगी। पूजा के दौरान रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक जगह जगह पुलिस की चेकिंग होगी। हाई स्पीड में चलने वाली गाड़ियों को रोका जाएगा ताकि इनकी वजह से पूजा में घूमने वाली महिलाओं, बच्चों और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। SSP के अनुसार प्रतिमा विसर्जन के लिए भी रूट अभी से ही तय कर दिए गए हैं। इस बार रावण वध समारोह में भी काफी भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में गांधी मैदान का जायजा लिया गया। 5 जोन में गांधी मैदान को बांट दिया गया है। प्रॉपर तरीके से गांधी मैदान के अंदर बैरिकेडिंग की जाएगी और CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से भी इसमें मदद ली जाएगी। यहां भी एक डिटेक्टिव टीम रहेगी जो लगातार भीड़ का आकलन करेगी, किस सेक्टर में किस जगह पर भीड़ अधिक हो रही है वो बताएगा और उस हिसाब से कंट्रोल किया जाएगा। SSP ने कहा कि कई जगहों पर मेट्रो और पुल बनाने का काम चल रहा है, इस कारण कुछ जगहों पर रूट भी बदला जाएगा। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए वोकल न्यूज के साथ।